नमस्ते, हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी चाकुरेश आर्ट एंड क्राफ्ट में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज फिर हम स्मोकिंग सीरीज को ही आगे बढ़ाने वाले हैं। आज जो आप लोगों के लिए मैं पैटर्न लेके आई हूँ, उसमें जो स्टिच हम यूज़ करेंगे वो स्टिच मैं आप लोगों को पहले सिखा चुकी हूँ, लेकिन उसको हम बिल्कुल फर्क ढंग से बनाने वाले हैं। उससे एक बहुत खूबसूरत नया पैटर्न तैयार हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम स्मोकिंग की जो स्टिच बना रहे हैं वो सेकेंड स्टिच का ही वेरिएशन है। स्मोकिंग की सेकेंड स्टिच हमने जो सीखी थी उसी का वेरिएशन है। तो सबसे पहले हम यहीं से निडल को बाहर निकालेंगे, फर्स्ट और सेकेंड प्लीट की डेप्थ में से। और अब फर्स्ट प्लीट में राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में निडल निकाल लेंगे, जैसा कि हम हमेशा करते हैं। और जैसे हमने सेकेंड स्टिच बनाई थी बिल्कुल उसी तरह हम इसको बनाएंगे। यहाँ से हल्की सी तिरछी करके निडल को निकालेंगे और फिर नेक्स्ट प्लीट में यहाँ से, जब हम निडल ऊपर की साइड निकाल रहे हैं तो ये थ्रेड नीचे की तरफ रहेगा, और जब हम निडल नीचे की साइड निकालेंगे तो ये थ्रेड ऊपर की तरफ रहेगा। अभी मैंने ये 10 स्टिचेस बनाई हैं, आप चाहें तो पूरी रो भी बना सकते हैं। अब यहाँ से इसकी डेप्थ में से इस निडल को नीचे ले जाएंगे और फिर ये 2 प्लीट्स छोड़ के यहाँ वाली डेप्थ में से निडल को ऊपर निकालेंगे और फिर यहाँ से राइट हैंड साइड में निडल को ले जाएंगे। आप चाहें तो इसको टर्न करके भी बना सकते हैं और आप चाहें तो ऐसे ही बना सकते हैं। फिर यहाँ से निडल को नीचे की तरफ लाएंगे। अगर हम टर्न करके बनाएंगे तो ऊपर की तरफ ले जाएंगे, और अगर ऐसे ही बनाएंगे तो नीचे की तरफ। फिर यहाँ से ऊपर ले जाएंगे और फिर यहाँ से नीचे ले जाएंगे। देखिए, फर्स्ट रो जो हमने बनाई थी उसमें ऊपर वाली लाइन में 10 थ्रेड्स हैं, नीचे वाली लाइन में 9 हैं। और यहाँ से हमने इसको एक प्लीट और अंदर से स्टार्ट किया है, इसलिए यहाँ पे ये 8 आएंगे और यहाँ पे 7 आएंगे। इसी तरह धीरे धीरे इसको हम कम करते जाएंगे और ये ट्रायंगल शेप ले लेगा।
देखिए इस साइड भी हम एक प्लीट पहले ही इसको ख़त्म कर देंगे। अब यहाँ से नीडल नीचे ले जाएंगे और फिर इन दोनों प्लीट की, मतलब नीचे वाली जो लास्ट स्टिच है इसके बाद वाला ये जो डेप्थ है इसमें से नीडल को बाहर निकालेंगे। और फिर इस साइड निकाल लेंगे। अब यहाँ से इसको नीचे ले जाएंगे और इस साइड से फिर से बाहर निकालेंगे। और फिर इधर ले आएंगे यहाँ से। अब इसको यहाँ से नीचे ले जाएंगे और फिर नेक्स्ट इसमें से बाहर निकालेंगे। और फिर यहाँ से इसको इधर निकालेंगे। देखिए दोस्तों ये कितना खूबसूरत ट्रायंगल बन गया। अब इसी तरह आप इसको पूरी लाइन में रिपीट कर सकते हैं या यहाँ पे इसकी मिरर इमेज बना सकते हैं। मतलब यहाँ लास्ट में हमने एक स्टिच छोड़ी है, अब नेक्स्ट इससे लगी हुई एक स्टिच बनाएं, फिर दो, फिर तीन, फिर चार, इस तरह इसकी मिरर इमेज बना लें। तो जैसे भी आपको ठीक लगे वैसे आप इस स्टिच को अरेंज कर सकते हैं। देखिए दोस्तों इस तरह इस पैटर्न को आप कैसे भी बना सकते हैं। सिर्फ ऐसी लाइन बना सकते हैं, इसकी मिरर इमेज बना के यहाँ भी लाइन बना सकते हैं, या फिर आप इन दो पैटर्न के बीच में एक इस तरह बना सकते हैं। ये डिस्टेंस आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं या इसके बीच में आप दूसरी कोई स्मोकिंग स्टिच भी बना सकते हैं। इसी तरह एक ही पैटर्न को आप अलग अलग तरह से अरेंज कर सकते हैं। तो देखा दोस्तों आपने कि किसी भी स्टिच को हम बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके से यूज कर सकते हैं और उसका एक नया लुक क्रिएट कर सकते हैं। आपको जहां जैसी जरूरत हो उस हिसाब से आप उसको यूज कर लें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और नए पैटर्न के साथ। तब तक आप मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करिए अगर अभी तक नहीं किया है तो, साथ ही बेल के बटन पर भी क्लिक करें जिससे आपको मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन फौरन मिल सके। और यदि वीडियोस पसंद आ रही हैं तो उन्हें ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करना कभी ना भूलें। साथ ही मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को भी लाइक करें और फॉलो भी करें। नमस्ते, बाय, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।